दोस्तों आज हमारी दादी एकादशी का व्रत है। हमारी दादी प्याज और लहसुन नहीं खाती हैं। आज व्रत होने की वजह से आज हम लोग परवल और आलू का टमाटर के साथ भुजिया सब्जी खाएंगे। प्याज काट के रेडी किया जा रहा है। जीरा मिर्च और लहसुन ऑलरेडी गरम तेल में डाल करके भुना जा चुका है। किचन में काम करने के साथ साथ किचन की सफाई भी जरूरी है। ये जो कचरा निकला है इसको झिली में लेकर के हम लोग कचरे के डिब्बे में डाल देंगे और बाहर ले जाकर फेंक देंगे। हल्का हल्का सब्जी को भुना जा रहा है ताकि ये बिल्कुल इस स्वाद में अच्छी लगे। आलू और प्याज को परवल के साथ मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने के बाद और फिर से उसको भूनने के लिए मिलाया जा रहा है पलटे की सहायता से। हल्का हल्का नमक डालने का कार्य हो रहा है। अब हल्दी डाला जा रहा है। अब टमाटर डाल करके तो ढक दिया जाएगा सब्जी को और सब्जी तैयार। थोड़ा बहुत हल्का सा इसको चलाना पड़ेगा ताकि भुन जाए सब्जी और भुजिया सब्जी तैयार।